अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से। VKSU के ऐसे स्टूडेंट जो सत्र 2019-22 का BA BSc BCom का परीक्षा जनवरी में ही दिए थे और अभी तक उनका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, लेकिन रिजल्ट पर वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा ने संज्ञान लेना शुरू कर दिया है और इस पर अब सूचना आपका आना शुरू हो गया है। कब तक आपका BA BSc BCom स्नातक पार्ट 1 19-22 का रिजल्ट आएगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप VKSU आरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में जरूर जुड़िएगा। वहां आपको एक एक कॉलेज का सूचना मिलेगा। वहां अभी 24,000 प्लस स्टूडेंट हैं। अगर आप पार्ट 2 के 18-21 के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए दूसरा ग्रुप है VKSU आरा स्टूडेंट हेल्प, वहां जुड़ जाइए। वहां अभी 11,000 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक मिलेगा, वहां से पेज को लाइक कर सकते हैं। VKSU और बिहार एजुकेशन से जुड़ा पल पल खबर पाने के लिए गूगल पर सर्च करें STRESULT.com, STResult.com। देखिए 19-22 का BA BSc BCom का रिजल्ट कब निकलेगा, देखिए पेपर स्क्रीन पर लिख रहा है 5 माह बाद निकलेगा पार्ट 1 का रिजल्ट। रिजल्ट की लेट लतीफी से वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हलकान हैं। परीक्षा के 5 माह बाद भी रिजल्ट नहीं घोषित होने से विद्यार्थी की परेशानी बढ़ गई है। असाइनमेंट आधारित स्नातक पार्ट 1 19-22 का रिजल्ट 5 माह बाद भी नहीं निकल सका है। विद्यार्थियों में पार्ट 1 का रिजल्ट जारी नहीं होने से नाराजगी भी देखी जा रही है। विद्यार्थियों की नाराजगी को विश्वविद्यालय प्रशासन ने अब गंभीरता से लिया है। बताया जाता है कि उक्त सत्र के रिजल्ट प्रकाशन की तैयारी अब शुरू की गई है। देखिए आपका एग्जाम हुआ था कब, जनवरी में ही, लेकिन अब रिजल्ट बनना शुरू हुआ है। शुक्रवार को रिजल्ट बनाने के लिए एजेंसी को मार्क्स फाइल सौंपी जाएगी। इसके बाद एजेंसी रिजल्ट बनाने का कार्य शुरू करेगी। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अनवर इमाम ने बताया कि जुलाई माह के अंत तक स्नातक पार्ट 1 रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अब देखिए आपका रिजल्ट कब आएगा, तो जुलाई माह के अंत तक BA BSc BCom आपका पार्ट 1 का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। शुक्रवार को एजेंसी को पूरा आपको मार्क्स फाइल को भेजेगा विश्वविद्यालय, उसके बाद एजेंसी रिजल्ट बनाना शुरू कर देगा। रिजल्ट आने के बाद कैसे रिजल्ट को चेक करना है, चलिए स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। गूगल पर लिखना है STRESULT.com, STResult.com और यहाँ से आपको एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा का ऑफिशियल वेबसाइट खोल लेना है। देख सकते हैं एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा यूट्यूब चैनल का ऑफिशियल वेबसाइट खुल गया। देखिए VKSU का जो भी अपडेट रहता है, नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको एक कैटेगरी दिखाई देगा। कैटेगरी में आपको नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी अपडेट दिखाई देगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा। लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट रहता है उसको हम लोग फर्स्ट पेज पर डाल देते हैं, जिससे छात्रों को दिक्कत ना हो। तो देखिए फर्स्ट पेज में ही आप नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर नीचे बढ़ना है तो यहाँ पर ये देखिए VKSU पार्ट 1 रिजल्ट सेशन 2019-22 अपडेट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ऐड को क्लोज करके नीचे बढ़ना है। जैसे ही नीचे आइएगा तो देखिए पूरा आपका डिटेल्स है कि कब आपका एग्जाम हुआ था, देख सकते हैं यहाँ पर पूरा आपका विवरण है 19-22 का BA BSc BCom का। और यहाँ पर देखिए कमिंग सून एक्सपेक्टेड इन लास्ट वीक ऑफ जुलाई, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद देखिए नीचे आइएगा तो यहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप में सकते हैं और यहां पर देखिए BCom का आएगा तो यहां पर क्लिक हियर पर करके आप रिजल्ट चेक कीजिएगा। BSc का यहां पे आएगा तो आप चेक कीजिएगा। BA का आएगा तो यहां पर क्लिक हियर पर करके आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। यहां से आप VKSU के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। जैसे ही आपका लास्ट वीक में रिजल्ट जो भी आपका BA BSc BCom का लिंक एक्टिव होगा, यहां पर आपको लिंक डाल दिया जाएगा, यहां से डाउनलोड कर पाएंगे। तो STResult.com को सभी अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। विश्वविद्यालय का पल पल का अपडेट आपको प्रोवाइड कराता है आपका अपना वेबसाइट STResult.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।